हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो चेंज वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना है और क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे जाना है। वॉलपेपर पे जाने के बाद दोबारा से वॉलपेपर पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऑटो चेंज वॉलपेपर के लिए किसी भी वॉलपेपर को क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, होम स्क्रीन पर लगाना है, लॉक स्क्रीन पर लगाना है या फिर बोर्ड पर लगाना है, दोनों पर। तो मैं बोर्ड पर कर देता हूँ और मेरा ये ऑटो चेंज वॉलपेपर सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।